नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर स्थिरा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। आज के हालत में हमारी ज़मीनें ऐसी हो गई हैं कि काफ़ी खादे न्यूट्रिएंट देने के बाद भी हमारी फसल पौधे प्लांट्स इन न्यूट्रिएंट्स को पूरा का पूरा नहीं ले सकते, क्योंकि ये अवेलेबल फॉर्म में है ही नहीं। कारण ज़मीन का एसिडिक खारा होना, एल्कलाइन होना, क्षारीय होना, पीएच कम या ज़्यादा होना, पानी की कमी या पानी का खड़ा रहना, टेम्परेचर का ज़्यादा होना, पिछले साल गेहूं में टेम्परेचर ज़्यादा हो गया था, बारिश की कमी, सूखा या बारिश की अधिकता होना, कुछ भी हो सकता है। पौधे की बढ़वार फुटाव कम हो सकता है बहुत मेहनत और खर्चा करने के बाद भी। कुछ पौधे छोटे रह जाते हैं बीच बीच में, बाकी फसल तो बड़ी है, लेकिन कुछ पौधे पूरा न्यूट्रिएंट नहीं ले पाते। जवाब जो है ना, वो ह्यूमिक एसिड हो सकता है, ज़मीन में जैविक पदार्थ की कमी हो सकती है, कार्बन की कमी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज की वीडियो में हम ह्यूमिक एसिड की बात करेंगे। ह्यूमिक एसिड जो है एक नेचुरल है, 100% ऑर्गेनिक है। जो लकड़ी होती है ना, पौधों के जो अवशेष होते हैं, सैकड़ों सालों बाद ज़मीन के अंदर जो है ना, कोयला बनने से पहले, कच्चा कोयला बनने से पहले जो मटेरियल बनता है उसको कंप्रेस करके इसको ह्यूमिक एसिड को निकाला जाता है। खेत की ज़मीन में अघुलनशील मेटल आयंस, ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स को घुलनशील बनाकर धीरे धीरे पौधों को, प्लांट्स को अवेलेबल करता है, आस्ता आस्ता रिलीज करता है उनको, पौधे उनके लेते रहते हैं, उपलब्ध करवाता है। और एक और काम, टॉक्सिक मेटल्स होते हैं ना जो, उनको प्लांट के अंदर घुसने से रोकता है। इतना बड़ा काम करता है ये। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां ह्यूमिक एसिड निकाल कर बनाकर बेच रही हैं। मल्टीप्लेक्स का जीवरस है, 12% ह्यूमिक एसिड है इसके अंदर। ह्यूमिसोल है PI पैसे इंडिया का, इसके अंदर 18% ह्यूमिक एसिड है, 1.5% फल्विक एसिड भी है। अब इफ्को भी, ह्यूमी इफ्को के नाम से बनाता है, इसके अंदर भी ह्यूमिक एसिड फल्विक एसिड है। एक और प्रोडक्ट है टाटा रैली गोल्ड, दानेदार है, बड़ी शानदार प्रोडक्ट है, यूज़ की हुई है, इसके अंदर 28.9% ह्यूमिक एसिड है, 23.3% माइकोराइजा है और 8.5% अमीनो एसिड्स हैं। मैं आपको ह्यूमिक एसिड की खूबियाँ सुनाता जाऊँ, आप अंत तक देखते जाओ। इतनी सारी इसके अंदर खासियतें हैं, हमारी ज़मीन के अंदर पानी को सोख कर रखने की क्षमता बढ़ाता है, मतलब होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, ज़मीन भुरभुरी और हवादार बनाता है, जिससे जड़ों का विकास और बैक्टीरियल एक्टिविटी बढ़ती है। जड़ें जो है ना नीचे तक लंबी, थोड़ा नीचे तक जाती है, नीचे से भी न्यूट्रिएंट्स लेके आती है। आपने जो देसी खाद या फसल अवशेष ज़मीन में मिलाए हैं उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, डिकम्पोजिशन को जल्दी कर देता है। ज़मीन एसिडिक हो या एल्कलाइन हो, पीएच कम हो या ज़्यादा हो, पीएच को रेगुलेट करता है और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, एफ ई मतलब कि लोहा, फेरस बोलते हैं जिसको, और जिंक, इन सब को जो अघुलनशील अवस्था में पड़े हैं उनको अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिससे पौधे ज़्यादा न्यूट्रिएंट ले पाते हैं। इतना सब कुछ करता है, कमाल है ना। अब ह्यूमिक एसिड हमारी ज़मीन में, पौधों में, पशुओं में, सब में होता है, कम या ज़्यादा हो सकता है, वो एक अलग बात है। अभी और भी बहुत सारे काम करता है, सारी बातें करेंगे। बात आपको ठीक लग रही हो, पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। मेरा उमंग उत्साह बना रहता है। ह्यूमिक एसिड का प्रयोग दिन प्रतिदिन कुछ सालों से बढ़ता जा रहा है, साल दर साल खेत में आप डालते रहो, स्प्रे भी कर सकते हो। ह्यूमिक एसिड को स्प्रे तब करो जब आपकी फसल थोड़ी छोटी हो, सब्जियों में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ड्रिप इरिगेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, और सीधा खेत में डालने के लिए दानेदार को प्रयोग करो। कुछ किसान जो है ना, लिक्विड ह्यूमिक एसिड को आधा लीटर से एक लीटर यूरिया के कट्टे में मिलाकर, पहले यूरिया जब हम देते हैं ना तब खेत में डाल देते हैं, ये भी ठीक है। स्प्रे में नॉर्मली 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करें। और ह्यूमिक एसिड के साथ फल्विक एसिड का कम्बिनेशन भी आ रहा है मार्केट में, है स्प्रे के लिए, और भी अच्छा है। अब फल्विक एसिड जो है पौधों में पत्तों के द्वारा सोखा जाता है और पौधों में प्लांट सेल तक जरूरी तत्व को पहुंचाता है, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन बढ़ जाती है, फुटाव, बढ़वार, हरियाली बढ़ाता है। अब डोज जो है ना ह्यूमिक एसिड प्लस फल्विक एसिड की भी यही है, 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से। अब आप देखो कि भाई नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश, फेरस और जिंक, अगर इन तत्वों का अपटेक बढ़ेगा, पैदावार तो नेचुरली बढ़नी बढ़नी है, पौधा स्वस्थ होगा, बीमारी और कीटों रहित होगा, अटैक कम आएगा। आप जो है सब्जी पे, फूलों की फसल पे, एग्रीकल्चर क्रॉप्स पे, धान पे, कणक पे, सोयाबीन पे, कॉटन पे, कहीं पे भी आप इसका प्रयोग करो, पानी को सोख कर रखने की क्षमता भी बढ़ती है। हल्की ज़मीन हो ना उसमें भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। वैसे असली काम इसका जो है ना,
वो अघुलनशील मेटल आयंस, ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स को बांधकर उनको आस्ता आस्ता रिलीज करता है और सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स पौधों को मिलने लग जाते हैं। ये इसका असली काम। आपको मेरा ये प्रयास, मेरी ये वीडियो पसंद आती हो, मेरी इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू जी।